Many people are doing their shopping on the internet nowadays. Discuss the advantages and disadvantages of shopping online. First, look at the introduction, the way of paraphrasing. So today, with the internet so readily accessible to us, comma, more and more people are turning to online shopping for all their needs. सो लुक एट दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर. हमने जो अपना इंट्रोडक्शन है वो सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट नहीं किया बल्कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिखा है. सो टुडे विद द इंटरनेट सो रेडिली असेसिबल टू अस, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक जो है वो इंटरनेट से रिलेटेड है, ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड है. तो हमने अपना स्टार्ट इससे किया, टुडे विद द इंटरनेट सो रेडिली असेसिबल टू अस कॉमा. इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैनी वी आर राइटिंग मोर एंड मोर people, many people, more and more people are doing their shopping, are turning to online shopping for all their needs. Clothes, shoes, products, even groceries can now be purchased via the internet. अब ये एक पूरा sentence है और ये एक complex structure है. This is not a simple sentence. Okay. So your essay should be a mixture of complex sentences, compound sentences, complex compound sentences and conditional sentences. ठीक है? This essay shall look into the pros and cons of online shopping. अब इस तरह के जो sentence structures हैं वो आपको लिखने आने चाहिए और ये आपको आएंगे practice से ही. ठीक है? अब question है, discuss the advantages and disadvantages of shopping online. अब जब हमने डिस्कस करनी होती है ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो हमने डिस्कस ही करनी है. हमने फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में या यू कैन से फर्स्ट एंड सेकंड बॉडी पैराग्राफ में हमने इसकी एडवांटेजेस डिस्कस करनी है और साथ ही हमने इसकी डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करनी है. ठीक है? इसमें हमने इसका कोई अपना कोई ओपिनियन नहीं देना कि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं. हमने डिस्कशन करनी है एडवांटेजेस की एंड देन डिसएडवांटेजेस की. अब जब आप ये ऐसे इस तरह का अटेम्प्ट करने लगें तो आपके जहन में होनी चाहिए कि कौन क्या एडवांटेजेस हैं और क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं. So there are several advantages to shopping online. The first is the ability to shop at a time that is convenient to you. Okay? So first online shopping advantage ये है कि आप किसी भी time पर जो आपके लिए convenient है आप shopping कर सकते हैं. Not just when the shops are open. Shops की तो एक specific timing है लेकिन online shopping 24/7 है. आपको जब convenient ho, you can shop anything. Okay, the second advantage of shopping online is that goods are often cheaper as the seller does not have the cost of running a shop and having to pay wages to the sales people. Insurance and all of the other running costs of a real world business. Theek hai? To shop की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक जैसे स्पेसिफिक शॉप की ज़रूरत होती है ना, जो अगर ऑनलाइन शॉपिंग का जो ऑपोजिट है. लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में इस तरह से जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है. ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑल्सो बी अ लॉट मोर कम्फर्टेबल दैन रियल वर्ल्ड शॉपिंग एज यू डो नॉट हैव टू डील विद द वेदर. ओके, आपने बस घर बैठे ऑर्डर करना और आपके पास चीज़ आ जाएगी. A huge advantage of shopping online is that you have the opportunity to compare as many products and prices. क्योंकि उनकी वेबसाइट पे सब चीज़ें आ रही होती हैं, आप कंपेयर करके तो आप ले सकते हैं. As you want without having to spend the time and money to travel between several different shops. कि आप different shops पे जाके prices को compare करें और जहाँ पे आपको लगे जहाँ पे आपको ठीक लगे हैं वो ले लें. इस पर तो वेबसाइट पे ही आपको पता चल जाता है. यू विल ऑल्सो बी एबल टू रीड रिव्यूज दैट हैव बीन रिटन बाय अदर पीपल हु हैव परचेज द आइटम यू आर कंसीडरिंग. यू विल बी एबल टू फाइंड आउट अबाउट द आइटम फ्रॉम अ जेन्युइन यूजर, नॉट जस्ट द सेल्स पर्सन. ओके, फाइनली यू विल बी एबल टू फाइंड एंड बाय प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन योर लोकल एरिया. ठीक है? वर्ल्ड वाइड जो है ये ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है. आप किसी भी कंट्री से कुछ कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं. ठीक है?
This makes purchasing of hard to find items a lot easier. अब हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस. द मेन डिसएडवांटेज ऑफ शॉपिंग ऑनलाइन इज दैट यू हैव टू पे शिपिंग कॉस्ट. आपको शिपिंग कॉस्ट देनी पड़ती है. ठीक है, बस ये मतलब जो आपके जहन में आए डिसएडवांटेज वो आप लिख सकते हैं. लाइक शिपिंग कॉस्ट देनी पड़ती है, आप चेक नहीं कर सकते प्रोडक्ट. जैसे आप शॉप पे जाते हैं वहाँ पे प्रोडक्ट को चेक करते हैं फिर लेते हैं कि ठीक है कि नहीं. लेकिन जैसे अगर आपने आप ऑर्डर कर रहे हैं कर्लर हेयर करें, हेयर स्ट्रेटनर ऑर्डर करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कोई भी चीज़ है, तो आप उनको चेक नहीं कर सकते कि ये ठीक है या नहीं. और भी मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं और दूसरी भी मतलब आप चेक नहीं कर सकते. ठीक है, तो इस तरह से जो आपके जहन में डिसएडवांटेजेस आती हैं आप वो लिख दें, क्योंकि इस ऐसे में हमने डिस्कस करनी है एडवांटेजेस भी एंड देन डिसएडवांटेजेस भी. तो हमारे फोर बॉडी पैराग्राफ्स हैं. फर्स्ट टू बॉडी पैराग्राफ्स आर अबाउट द एडवांटेजेस एंड द सेकेंड टू बॉडी पैराग्राफ्स आर अबाउट द डिसएडवांटेजेस एंड देन कॉन्क्लूजन लिखना है. अब कॉन्क्लूजन में आपने कॉन्क्लूड करना है. अब कॉन्क्लूड किया गया द मेन एडवांटेजेस ऑफ शॉपिंग ऑनलाइन आर कन्वीनियंस एंड कॉस्ट सेविंग. ठीक है, कन्वीनियंस है और कॉस्ट सेविंग. और मेन डिसएडवांटेज दैट आइटम्स इज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल एंड यू कैन नॉट इंस्पेक्ट इट पर्सनली बिफोर यू मेक योर परचेज. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. You have to prepare this topic for your writing as well as for your speaking. और इसमें जो complex structures use हो रहे हैं मतलब आप उसको read करें और खुद से लिखने की कोशिश करें. Not just simple sentences, सिर्फ simple sentences से आप 6+ band source नहीं ले सकते in your writing as well as in your speaking. You have to write complex structures in order to get 6, 7, 7.5. okay, and आपको ये बोलने भी आने चाहिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी कमेंट.